Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव, आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में दो लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और दोनों पर समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए अगर कोई पार्टी खड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन चर्चा जो है रामपुर लोकसभा को लेकर हो रही है, क्योंकि वहां पर आजम खान जो है वो कहीं ना कहीं मैदान में है और उनके सहयोगी जो असीम रजा हैं उनको उन्होंने टिकट दिया है। और आजम खान, सबसे बड़ी बात यह है कि जेल से बाहर भी हैं, तो प्रखर और मुखर होकर लगातार निशाना भी साधते नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने डिप्टी सीएम जो है केशव प्रसाद मौर्य, उनको लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। दरअसल बात करें तो रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और इस सीट से इस्तीफा देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान लगातार पार्टी प्रत्याशी असीम रजा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सोमवार को ईदगाह गेट पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खैरात और भीख के नंबर बढ़ाकर उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, वो अपने ही भगवान की तौहीन करके गया है। उसने कहा कि अब्दुल्ला रजा नहीं रहेगा, राम राज रहेगा। अब्दुल्ला तो जिल्लत मिलेगी लेकिन कंस के घर ही कृष्ण पैदा होगा। आएगा वो दिन, ये राम की तौहीन है, राम का अब्दुल्ला से मुलाकात करने की। आजम खान ने कहा कि सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल एक भी ऐसा काम नहीं कर सके जो उनकी याद का होता। आगरे का किला बनाया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ताजमहल बनाया, हमारे किसी काम का नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज बनाई होती तो मुल्क की तरक्की भी होती और हम भी दुनिया में जालिम और खुमार नहीं होते। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती, वो हमारे लिए हराम है। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से यूनिवर्सिटी बनाई जाती तो 100 यूनिवर्सिटी बन जाती। हमारे लोगों के नकाब पलटे जा रहे हैं। आजम खान ने कहा कि मौलाना आजाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के हक में नहीं थे, वो चाहते थे कि वक्त एक रहे। बंटवारे के वक्त बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए पर कुछ यहाँ रह गए, वही लोग असली हिंदुस्तानी हैं। बंटवारे का जख्म इनके दिलों में आज भी नाशूर बना हुआ है। हमसे आज घृणा किया जा रहा है, हमारे लोगों के नकाब पलटे जा रहे हैं। हम किससे मोहब्बत करेंगे और शादी करेंगे, इस पर पाबंदी लगाई जाती है। हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, इस पर भी मुकदमा कायम हो जाता है। और जिस तरीके से उन्होंने भिखमंगे का टाइटल केशव प्रसाद मौर्य को आजम खान ने दिया है, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और इस बयान से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।